नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ कृतिका। वैश्विक स्तर पर फैला कोरोना महामारी पूरे देश को अपनी चपेट में ले चुका है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन 5.0 को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस दौरान राज्य में लॉकडाउन 4.0 वाली की गाइडलाइंस जारी की रहेगी। एक बार आपको बता देती हूँ बिहार लॉकडाउन 4 के नियम। कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक भीड़ ना हो। किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी बारी से सप्ताह के अलग अलग दिन अथवा अलग अलग समय पर खोलने का आदेश डीएम जारी करेंगे। ओला, उबर एवं अन्य टैक्सी सिर्फ मेडिकल सुविधाओं के लिए तथा रेलगाड़ियों के यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने आने के लिए दिया जाएगा। किराए के बसों का परिचालन जिला के अंदर ही रहेगा। ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेंगे। ग्राहकों के लिए आवश्यक निर्देश, आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें, दूर जाकर सामानों की खरीदारी करने की अनुमति नहीं है। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यालयों में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। बिहार में अब स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस के राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। अनलॉक वन में मिलेगी ये छूट। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक वन में एक से दूसरे राज्यों में आवाजाही के लिए किसी भी तरह की पास की जरूरत नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक वन में 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। नए निर्देशों के अनुसार देश के सभी हिस्सों में रात से 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सामानों के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। अब अनलॉक वन के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज वन इलेवन के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।